वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीटेक 555। देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो में हम टैंक अलार्म बना करके आपको दिखाए थे, तो उसमें लोग कह रहे थे कि सर इसमें आवाज बहुत कम आ रही है, अगर हम तार की लेंथ बढ़ा दे रहे हैं तो आवाज कम हो जा रही है। उसी का सलूशन हम यहाँ पर लाए हैं कि इसमें आवाज कम नहीं होगी, आप कितना भी लंबा वायर लगा लें इसकी आवाज कम नहीं होगी, आवाज बहुत तेज आएगी। और इसको हम म्यूजिकल बनाए हैं, इसमें एक म्यूजिक बजेगा जिसकी आवाज बहुत मधुर होगी। ये वीडियो पूरा वाच कीजिए। आपको म्यूजिकल टैंक अलार्म बना करके दिखाएंगे और इसमें बहुत कम कंपोनेंट हम यूज करेंगे, और जो भी कंपोनेंट हम यूज करेंगे हर जगह आपको मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो ऑनलाइन भी आप परचेज कर सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को हम छोटी सी पीसीबी पर आपको बना करके दिखाएंगे। आप इसको डायरेक्ट भी माउंट कर सकते हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा कंपोनेंट लगने नहीं है, लेकिन हम छोटी पीसीबी है इस पर लगा करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे आईसी। ये आईसी है, ये देखिए इसका नंबर है UM66, ये देख सकते हैं आप। और इसके लेग की पहचान करा देते हैं, इसको इस टाइप से पकड़ेंगे ऐसे। ये पिन नंबर 1 है, 2, 3, 1, 2, 3। और एक इसमें ट्रांजिस्टर लगेगा BC547, ये देखिए। इसमें लेग की पहचान करवा देते हैं, ये देखिए कलेक्टर बेस एमिटर। अब देखिए ये आईसी की पिन नंबर जो 1 है, इसको यहाँ पे लगा लेंगे इस पर। ये बहुत अच्छी आईसी होती है, ये म्यूजिकल आईसी है। इसके ऐसे देख करके लोग इसको ट्रांजिस्टर समझ लेंगे, लेकिन ट्रांजिस्टर नहीं, ये आईसी है। और ये ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे लगा देंगे इस टाइप से। अब देखिए आईसी की पिन नंबर 1 और एमीटर, ट्रांजिस्टर का एमीटर एक में कनेक्ट कर देंगे। इसको एक में कनेक्ट करने के बाद इसको निगेटिव में कनेक्ट कर देंगे, बैटरी के निगेटिव में। ये देखिए हम लाइनिंग यहाँ बना लिए हैं। और ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट हो गया पिन नंबर 3 पे, आईसी की पिन नंबर 3 पे ट्रांजिस्टर का बेस कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हम लाइनिंग बना रखे हैं। चलिए इसको सोल्डर कर देते हैं, फिर आगे के कनेक्शन आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम कनेक्ट कर लिए हैं। अब इसका जो है आईसी का पिन नंबर 1 है, ये निगेटिव में लग जाएगी, और पिन नंबर 2 से वायर कनेक्ट करके टैंक को चला जाएगा। ये पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 2 है, लग जाएगी। और जो ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है वो स्पीकर में कनेक्ट हो जाएगा। और स्पीकर जो हम लेंगे, देखिए आप 5 ओम से 8 ओम के बीच ले सकते हैं, 0.5 वाट का ये स्पीकर। तो स्पीकर का एक वायर, किसी किसी स्पीकर में लिखा होता है यहाँ पॉजिटिव निगेटिव, अगर लिखा है तो ठीक है उसी हिसाब से जोड़ दीजिए, अगर नहीं लिखा है तो आप कैसे भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए इसमें जो निगेटिव वाला वायर है, ये ग्रीन निगेटिव है, देखिए यहाँ पे निशान बना हुआ है यहाँ पे, ये कनेक्ट हो जाएगा कलेक्टर, कलेक्टर पर, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर कनेक्ट कर देंगे ग्रीन वाला वायर। और जो ये ब्लू बसता है वो पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएगा। और इसका सर्किट डायग्राम हम दे देंगे, वहाँ से आप आराम से देख करके बना सकते हैं, बहुत कम कंपोनेंट हैं, बहुत इजीली आप बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम सभी कनेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम जो ब्लू वायर देख रहे हैं आप, ये पॉजिटिव के लिए यूज़ किए हैं, और ग्रीन वायर नेगेटिव के लिए। ये देखिए ये जो ब्लू वायर है, तो ये वाला वायर जो रेजिस्टेंस के थ्रू आ रहा है, ये एलईडी में लग जाएगा, और एक नेगेटिव एलईडी में लग जाएगा। और ये जो पॉजिटिव है, ये यूएसबी सॉकेट में लगेगा, ये वाला है एक यूएसबी सॉकेट में लग जाएगा पॉजिटिव वाले पे, और दूसरा टैंक को जाएगा, एक टैंक को चला जाएगा ये ब्लू वायर। और ये जो इस तरफ ये ब्लू वायर दिख रहा है, जो आईसी की लेग नंबर 2 है, ये भी टैंक को जाएगा।
तो एक इसका पास टू जाएगा टैंक को, और एक जो आईसी की पिन नंबर टू पे, ये दो वायर टैंक को जाएंगे। ये आप सर्किट डायग्राम देख लें, इससे बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। देखिए ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच लेंगे और एक बोर्ड ऐसा लेंगे जिसमें आराम से स्पीकर आ जाए। ये दो स्विच वाला बोर्ड है, देखिए इसमें एक तरफ स्विच लग जाएगा, एक तरफ हम ब्लैंक चिपका देंगे एक्सटेंड ग्लू से। अगर ब्लैंक नहीं मिलता है तो पीवीसी सीट भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं, और बीच में हम छेद कर देंगे एलईडी लगाने के लिए यहाँ पे। और एक माइक्रो यूएसबी सॉकेट लेंगे, यहाँ पर एक होल कर देंगे, यूएसबी सॉकेट लग जाएगा। होल हम ड्रिल मशीन से करेंगे, अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप सोल्डरिंग आयरन से भी होल कर सकते हैं। ये देखिए माइक्रो यूएसबी सॉकेट इसमें फिट कर दिए हैं, स्विच भी लगा दिए हैं और एलईडी भी लगा दिए हैं। अब हम इसमें स्पीकर चिपकाएंगे। स्पीकर चिपकाने के लिए हम पीवीसी सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, अगर आपके पास ये नहीं है तो ग्लूगन से भी आप चिपका सकते हैं। ये पीवीसी सॉल्वेंट वही है जिससे हम पीवीसी पाइप चिपकाते हैं। देखिए ये जो ब्लू वायर है ये आईसी के पिन नंबर दो से निकला है, इसको हम बाहर इस होल से निकाल लेंगे। और एक और जो ब्लू वायर है ये पॉजिटिव से कनेक्ट होकर के आया है, ये दोनों टैंक में चले जाएंगे। और एक और ब्लू वायर लेंगे जो एलईडी के पॉजिटिव में कनेक्ट हो जाएगा, और ग्रीन वायर एलईडी के नेगेटिव में, और एक ग्रीन वायर एसयूवी के छोटी वाली लेग में कनेक्ट हो जाएगा, और एक ब्लू वायर एसयूवी के सॉकेट से कनेक्ट होकर के स्विच में कनेक्ट कर देंगे। और स्विच से जो दूसरा वायर निकलेगा वो जहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट है पीसीबी में वहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे। ये सभी कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, अब इसको हम पैक कर देते हैं ऐसे। चलिए एक बार हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये स्विच ऑन किए, पावर आ गया, और ये दोनों वायर जो हम बाहर निकाले हैं ये टैंक को जाएंगे। ये जैसे पानी में टच करेंगे वैसे देखिए साउंड बजने लगेगा। ये देखिए, देखिए कितना अच्छा साउंड आ रहा है। ये देखिए कोई फेंक नहीं। बहुत अच्छा साउंड है। और हाँ फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ होल भी किए कि साउंड अच्छा निकले। ये देखिए इधर भी दो होल किए हैं, सामने दो होल कर दिए हैं, इससे साउंड बहुत अच्छा बाहर निकलेगा। अब चलिए इसको हम ये दोनों वायर पानी में डाल करके टेस्ट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटा सा हम ये म्यूजिकल टैंक अलार्म बनाकर कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे इस जगह पर, और इसको हम फिलहाल डबल साइडेड टेप से चिपका देंगे, फिर आपको ऑपरेट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिबन वायर है, इसमें पांच तार होते हैं, लेकिन हम इसमें आपको दिखाने के लिए सिर्फ दो वायर यूज करेंगे, और इसकी लेंथ 35 फीट है। आपकी टंकी अगर 35 फीट ऊपर रखी है और इसके ऊपर भी रखी है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारे पास 35 फीट ही वायर था, इससे हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। देखिए हम सिर्फ इसमें दो वायर यूज करेंगे, इसके लिए हम एक प्लग लाए हैं, एक तरफ ये बांध लेंगे ये प्लग, और दूसरे सिरे पर हम यहाँ पे दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे। चलिए इतना काम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ ये वायर कनेक्ट कर दिए हैं, और ये एडाप्टर है जिससे हम मोबाइल चार्ज करते हैं, इसको हम इस स्विच बोर्ड में कनेक्ट कर देंगे ऐसे। पावर ऑन करते हैं, ये देखिए पावर जैसे ऑन करेंगे इसमें रेड लाइट जल जाएगी। आप देखिए इसको कैसे दिखाना है, ये देखिए इस प्लग की जब दोनों पिनें पानी में टच करेगी तब म्यूजिक बजने लगेगा। ये देखिए जैसे आपकी टंकी फुल हो जाएगी वैसे आपको पता चल जाएगा कि टंकी फुल हो गई, तुरंत मोटर बंद कर दीजिए, और जैसे पानी नीचे जाएगा वैसे बंद हो जाएगा, और यहां से भी आप बंद कर सकते हैं। टंकी फुल है और इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं यहां से। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत यूजफुल है,
और आप इसको बहुत आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, हो सकता है आपको आवाज कम लग रही हो क्योंकि इससे हमारा माइक टूट गया है, हम डायरेक्ट अपने मोबाइल से शूट कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है इसकी आवाज कम आ रही हो, फिर भी देखिए इतनी आवाज पर्याप्त है। बहुत अच्छा म्यूजिक बजता है, कानों को भी नहीं चुभेगा, बहुत मधुर आवाज है, आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी टाइप के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, बाय बाय।